हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के चैनल कृष्णा ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे कि मार्केट से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं सबसे पहले वहीं पोस्ट करते रहता हूं। और अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपके सामने चार प्रकार की डोजी दिखाई दे रही है। डोजी स्टार, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। जैसा कि अभी पिछले वाली वीडियो में मैंने ग्रेवस्टोन डोजी को कवर किया था, जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि ग्रेवस्टोन डोजी से आप मुनाफा कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो ग्रेवस्टोन डोजी का भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है। जैसा कि आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि यह एक उड़ने वाला कीड़ा है, जो कि बारिश के टाइम पे आपने अक्सर देखा होगा खेतों में उड़ते हुए। वही काम ड्रैगन फ्लाई डोजी का भी है। इसके बनने के बाद वहां से स्टॉक उड़ने लगता है, जिस भी पार्टिकुलर चार्ट में बन जाता है, किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में, तो उस स्टॉक की बुलिश कंडीशन बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं भी बन जाए तो उसको ड्रैगन फ्लाई देख के उसको तुरंत बाइंग कर लेते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन को नहीं समझते कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कहाँ पे वर्क करेगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा डाउन ट्रेंड पे बनता है, वो भी लो के साथ बनाए, तभी आपको वहां पे ट्रेड करना है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट में एक लंबी गिरावट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं भी बन जाए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है हमारा। देखिए यहाँ पे बना हुआ है बॉटम पे जाके ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि एक डाउन ट्रेंड है। मैंने दर्शाया हुआ कि एक डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है। और अगर डाउन ट्रेंड में बना है तो हमारी सारी कंडीशन, सबसे बड़ी बात है इसकी बनावट, इसकी लेग बहुत लंबी होती है और इसकी बॉडी तो ना के बराबर होती है, बॉडी नहीं होती है, मामूली सा किसी किसी में थोड़ा बहुत बॉडी हो जाता है। विक बहुत छोटी सी होती है, किसी किसी में विक होती भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और बॉडी इसमें बिल्कुल नहीं होती है, किसी किसी में थोड़ा बहुत हो तो चल जाएगा। और यहाँ से हम बुलिश ट्रेंड की ओर चलेंगे। और यहाँ पे ट्रेड करने से पहले, अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के हिसाब से, तो कम से कम 25 दिन का एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। वन डे कैंडल की 25 दिनों का एक डाउन ट्रेंड हो और जाके बॉटम पे अगर यह ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसके ट्रेड लेने से पहले। तो डोजी से पहले की जो कैंडल है उसके ऊपर जब तक प्राइस ना आए तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं डोजी बनने के बाद भी अगली कैंडल यही है,
फिर ये भी यहीं है, तीसरी कैंडल भी यहीं घूम रही है, हमारी चौथी कैंडल इसको ब्रेक किए, फिर हमारा एंट्री पॉइंट बनता है यहाँ पे, चौथी कैंडल पे जाके हमारा एंट्री पॉइंट बनता है, यहाँ पे हमको बाइंग करना है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और टारगेट हमारा आपके हिसाब से रहेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी लगभग 3x, 4x, 5x तक भी आपको टारगेट मिल सकता है, जो लास्ट में आप ड्रैगन फ्लाई डोजी देख रहे हो। इस कैंडल का 4x से 5x आप अपना टारगेट रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा भी, लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है फुलफिल करना चाहिए, ड्रैगन फ्लाई डोजी की सारी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तभी आप उसमें ट्रेड करिए, तब जाके आपको मुनाफा अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया और हम यहीं पे तुरंत ट्रेड ले लिए, तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं यहाँ का, तो आपको स्टॉप लॉस लग जाएगा यहाँ पे। सबसे अच्छा है कि इससे पहले की जो कैंडल है, कोशिश करिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी से जो फर्स्ट वाली ए वाली कैंडल रेड वाली, इसके ऊपर जब प्राइस चला जाए तब वहाँ से आप बाइंग करिए, तो वहाँ पर आपको पक्का मुनाफा होगा। लेकिन बहुत लोग तो बोलते हैं कि सर ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेंड निकल गया, कहाँ अब बहुत कम ट्रेंड पकड़ पाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, जो इसकी क्राइटेरिया है यही है। आप लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी से फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर जब प्राइस निकले यहाँ पे आप बाइंग कीजिए, और ड्रैगन फ्लाई डोजी के कैंडल के 5x, 6x तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं, तो इस हिसाब से आप ट्रेड करिए। और बहुत सारी वीडियो मैंने हेजिंग से रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें भी जाके अपना देख सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख के आप हेजिंग बना सकते हैं। जो लोग मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जिनको पता नहीं कैसे ट्रेडिंग करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, और डोजी की वीडियो और उसके बाद हेजिंग की वीडियो देख के ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पैटर्न है उसमें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे।